पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को भाजपा का दामन थाम लिया। उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भाजपा में विलय हो गया। उनके बेटे रणिंदर सिंह, बेटी जय इंदर कौर, सहयोगी नेता और कई पूर्व विधायकों, मंत्रियों ने भी भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर और किरेन रिजिजू की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ली। कैप्टन अमरिंदर सिंह के रूप में भाजपा को पंजाब में एक बड़ा सिख चेहरा मिल गया है। इसे पार्टी को पंजाब के मालवा क्षेत्र में मजबूत होने में मदद मिलेगी। भाजपा की पूरी राजनीति राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर टिकी हुई है। पंजाब में भी वह राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही खेलती रही है, लेकिन उसकी राजनीति से पंजाबियत पूरी तरह गायब है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा को यही पंजाबियत की पगड़ी प्रदान कर सकते हैं। पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन से पैदा हुआ दर्द अभी शांत नहीं हो सका है। मिनिस्टर साहिबान, मैं पंजाबी पहला बोलूंगा क्योंकि पंजाब के लोगों को एक गल उत्थे पहुंचनी चाहिए है, फिर उस तो बाद जो तुसी जाओगे मैं उस विच भी थोड़ा बहुत थोड़ी गल कर सकांगा। मिनिस्टर साहिबान और आज साढ़े इतने विराजमान सारे मेरे साथी और साडे पार्टी के सारे मेरे इधर सारे नहीं आ सके, कुछ दूजे कमरे के विच भी ने, असी सारे उरे आए हैं इसलिए कि मैं बाहर जाण तो पहला जो मेरा थोड़ी स्पाइन की प्रॉब्लम सी, मैं सारे नाल विचार किए और सारे दे विचार से कि अगर अपने पंजाब का कोई भविख देखना है बढ़ता तो हूँ समय आ गया कि आप बीजेपी नाल मर्ज करिए। तो मैं उदों लिख दिता सी प्राइम मिनिस्टर साहब न, होम मिनिस्टर साहब न, नड्डा साहब न, सारे नूं कि मैं जाया वा, ऑपरेशन कराया वा और उस बाद मैं जब आऊँगा तो फिर मैं थोड़े नाल संपर्क जोड़ के वो तो बाद असी थोड़े विच शामिल होवांगे। सारी पूरी संस्था जो साड़ी है जिन्हां दी विचारधारा इको ही है साढ़े वर्गी जो मैं अज गल कर रहा, ये तो पहला कि मैं थोड़िया गल्लां दो चार करा अपने साथी जिहड़े अज जुड़े ने उन्होंने बारे मैं तुहानूं थोड़ा बहुत दसदा क्योंकि तुसीं देख तो लिते कि साढ़े तो सरोपे पा दिते ने, लेकिन जेडे इन्हां दे गल्लां सीआं इन्होंने अपनी अपनी पूरी पंजाब दे विच अपने जो भी इन्होंने कारनामे किए, जिहड़ी पार्टी च रहे, जिहड़ा कुछ उत्थे कारवाइयां कीतियां, जिथे बण के इधर पार्लीमेंट च आए या उत्थे MLA च रहे, वो मैं थोड़ा जिहा तुहानूं दसना चाहुंदा। मेरे नाल बैठे ने सर अमरीक सिंह जी आलीवाल, ये पार्लीमेंट के विच दो बार रहे लोग सभा दे विच और स्टेट प्रेजिडेंट रहे 10 साल लई अकाली दल यूथ ने, एंड ही इज ऑलसो चेयरमैन पंजाब एग्रो वगैरह रहे। सो ये बड़े एक्सपीरियंस एक साढ़े साथी ने जेडे रहे ने। सर जयव सिंह भट्टी कितने ने जी? हाँ, ये मेरे डिप्टी स्पीकर रहे जब मैं चीफ मिनिस्टर सी, एंड ही हैज 3 times MLA फ्रॉम पुचो मलोट, पुचो मंडी और मलोट तो। सो ये इन्हों का बड़ा एक्सपीरियंस है उत्थे। फिर सर केवल सिंह जी नाल साढ़े ग्रेट लेबर लीडर, इन्होंने बठिंडे दे ने और इन्होंने उत्थे अपनी जिहड़ी होंद बना रखी है वो सारी लेबर दे विच है और असी बड़े मैं समझदा सानू बड़ी खुशी है कि साढ़े विच शामिल आके जाण और एक बेनीफिट होएगा बीजेपी नूं। इस तरह बठिंडा एरिया दी लेबर सारी असैसमेंट इन्हां दे नाल है, पूरा पंजाब ही इन्हां दे कोल। फिर एक नसीरा खातून आए से उरे, मैं किधर देख रहे वो इन्हां दे मदर फादर साढ़े मदर साढ़े रहे MLA फ्रॉम मलेरकोटला, एंड इन्होंने वो अज नहीं आ सके, वो UK गए हुए ने, सो अपने बेटी नूं भेजता कि तू जाके साथ मेरे वालों अपना वो कुछ दस दे उत्थे। फिर
श्रीमती बलबीर राणा सोनी हैगे या उन्हें नहीं हैगे? हैगे बाहर चले गए, वो साडे पंजाब कांग्रेस से ऑल इंडिया पंजाब दे ऑल इंडिया महिला विंग दे प्रेसिडेंट से, तो शी इज हियर आई होप देख सकते हैं। जदों ज़्यादा रश होंगे ना फिर वो कोई रोके जाते हैं। साढ़े श्रीमती हरचंद कौर जी कितने ने आ बैठो देखो, ये साढ़े शी हैज रिमेन टू टर्म्स अपनी महल कला जो संगरूर दे विच है हल्का, वो तो दो बार MLA उत्थे बन के रहे। हरजिंदर ठेकेदार जी अमृतसर दे ने कितने ने हरजिंदर आ बैठे ने, ये साढ़े ही इज बीन साढ़े अमृतसर साउथ तो दरबार साहब के नाल जिहड़ा इलाका लगता है उत्थों दे MLA ने। एंड प्रेम मित्तल जी भी उरे से अच्छा वो बैठे ने, ये साढ़े मानसा तो MLA रहे, सो ही मालवे के गढ़ के बिचों इन्हें हरचंद कौर जी भी प्रेम मित्तल जी भी सारे मालवा जिहड़ा पंजाब का एक गढ़ समझ लो, मैं मालवा है मलवाई है तो मैनू तो यह चंगा लगता है, इन्हों भी चंगा लगता है, इन्हें ये सारे मालवे के बैठे असी उरे, सो दिस इज आई थिंक अ पॉजिटिव थिंग। फिर वी हैव साढ़े फिर पार्टी के साढ़े मैंबर साहबान सारे ने कुछ अहदे उन्होंने सामभे हुए ने, पर सारे चाहे उन्होंने कोई भी बैकग्राउंड रही कोई भी करते रहे अपनी पार्टी वास्ते कॉन्ट्रीब्यूशन की है, और सारे ने अपने दिल खोल के अज BJP दे विच शामिल होने का फैसला किया। पंजाब में लगभग एक तिहाई वोट बैंक हिंदुओं का है, मजबूत राजनीतिक विकल्प की कमी के कारण यह वोट बैंक कांग्रेस और भाजपा सहित दूसरे दलों में बटा हुआ है, लेकिन भाजपा का अनुमान है कि उसके मजबूत होने से यह वोट बैंक उसकी तरफ खिसक सकता है। चूंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की हिंदू मतदाताओं के बीच भी अच्छी स्वीकार्यता बनी हुई है, वे इस वोट बैंक को साधने में पार्टी की मदद कर सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।